जगजीत चौधरी व्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं स्कूप मैन, आइसक्रीम के किंग, यहाँ पर आए हम, और ये है रोहिणी सेक्टर 3 पे, बिल्कुल अयोध्या चौक पर है, अयोध्या चौक सेक्टर 3 पे। तो फ्रेंड्स, दिखा रहा हूँ लोकेशन, देखिए ये यहाँ की लोकेशन है। रोहिणी सेक्टर 3 का चौराहा अयोध्या चौक। तो फ्रेंड्स, स्कूप मैन के अंदर आइए और आइसक्रीम का भंडार है यहाँ पे, आइए देखिए, लजीज था। मैंने सुना है ऐसा कि यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 100+ है। आइए देखते हैं, नाम ही नाम है या क्वालिटी भी है, आइए देखते हैं, आइए मेरे साथ। Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm मेन ब्रांड्स पर, यहाँ पर आपको आइसक्रीम की बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी। मेरे साथ सौरभ जी हैं और ये मेरे साथ मेन्यू है, ये देखिए ज़रा, ये सेक्टर 3 में है, ठीक है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ बहुत सारी वैरायटी, बेहद वैरायटी है। स्कूप मैन आइसक्रीम का तो आपने देख लिया, स्पेशल रैप्स हैं आपके पास, स्पेशल रोल्स हैं, फ्रेंच फ्राइज है, मैगी है, रैप्स है हमारे पास स्पेशली, जो यहाँ पर कहीं नहीं है सेक्टर 3 में। और पिज़्ज़ा भी आप बहुत अच्छा बना, और हमारा अभी भी नया नया पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, जो हमारे पास 3 तरीके के पिज़्ज़ास हैं, मार्गरेटा, फ्रेश वेजी और फार्म हाउस। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी सर, जो आपके शेक्स होते हैं उसमें आप क्या क्या मिलाते हो? सर, शेक्स में हमारे ओनली मिल्क एंड आइसक्रीम, मिल्क और आइसक्रीम से हमारा शेक बनता है। शुगर और आइस, हमारे शेक्स में ना हम शुगर डालते हैं, ना हम आइस मिलाते हैं, लाइव हमारा शेक बनता है कस्टमर के सामने ओनली मिल्क एंड आइसक्रीम से। मिल्क भी हमारा फुल क्रीम अमूल यूज़ होता है, ना कि हमारा टोन मिल्क यूज़ होता है। और जगह आप जाएंगे, टोन मिल्क से शेक बनाते हैं, आइस डालते हैं, शुगर डालते हैं, वगैरह वगैरह डालते हैं, हमारे यहाँ ओनली मिल्क और आइसक्रीम से शेक बनता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला करके क्वालिटी बोलती है, भरोसा बोलता है, सौरभ जी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ इसी चीज़ का है कि उनकी क्वालिटी में दम है। उनके जो जितने भी मिल्क हैं, आइसक्रीम्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लेवर्स हैं, जितनी भी उनकी वैरायटी है, सब में दम है, जानदार है। तो मैं सिर्फ एक बार ये कहूँगा, एक बार आप आइएगा जरूर, एक बार आना बनता है आपका, ठीक है सर? तो अब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए आइसक्रीम, हम चेक करके टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा है, आइए चलते हैं, आइए सर। सर, तो आप हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं? सर, ये बेसिकली मैं आपके लिए बना रहा हूँ न्यूटेला ब्राउनी वॉफल। ओके, बेसिकली ये हमारा वॉफल है जी, इसके ऊपर आएगी हमारी मिल्क चॉकलेट जी, ये हमारी मिल्क चॉकलेट है जी, जो हम खुद बनाते हैं जी, खुद का ब्रांड है, खुद का ब्रांड है हमारा, खुद बनाते हैं हम ये मिल्क चॉकलेट। इसकी पहले ड्रेसिंग होगी जी, ये आ गई हमारी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम सर्व होती है हर वॉफल के साथ। ओके, ठीक है, ये हमारा वॉफल तैयार हो रहा है। हाँ जी, इसकी गार्निशिंग जी, इसको सजावट, अब आ जाएगी हमारी
न्यूट्रेला चॉकलेट, न्यूट्रेला चॉकलेट जिसको हमने बॉटल में डाल रखा है। वेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारी व्हाइट चॉकलेट की ड्रेसिंग। अब आ गए हमारे रोस्टेड नट्स। ये नट्स होते हैं, हम रोस्ट करते हैं इन्हें। हेलो जैनिता, वेलकम। जैनिता, आपने ये जो बनाए हैं इनके जरा बारे में दोबारा से बताइए मुझे जरा। ये जो है हमारा न्यूटेला ब्राउनी वॉफल है, जिसमें हमारी मिल्क चॉकलेट ऐड होती है, ब्राउनी ऐड होती है, वाइट चॉकलेट होती है, न्यूटेला होता है, जो कि हमारा सब कुछ खुद का मेडिड होता है। हम बाहर से परचेज नहीं करते हैं, ये स्कूप मैन का खुद का परचेजिंग, मतलब खुद का बनाया हुआ है। स्कूप मैन का खुद का ब्रांड है जी, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, हमारे 3 आउटलेट्स हैं, तीनों कंपनी आउटलेट्स हैं। और तीनों के एक जो फर्स्ट आउटलेट है वो रोहिणी सेक्टर 24 में है, ये सेकंड आउटलेट है रोहिणी सेक्टर 3 में, थर्ड आउटलेट हमारा द्वारका पैसिफिक मॉल में सेकंड फ्लोर फूड कोर्ट में है। ओके, तो यहाँ कब से हैं? यहाँ पे 10 मंथ्स हो चुके हैं, सितंबर में हमें 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा जी। तो जैनिता जी, आप कितनी वैरायटी है यहाँ पे आपकी? वैरायटी हमारी 100+ होंगी। आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्वालिटी कैसी है, हमारी क्वालिटी के हिसाब से हमारी क्वांटिटी कैसी है। क्योंकि हम कुछ मिल्क बेस्ड होता है, हमारा सब कुछ खुद का मेडिड होता है जी। यानी आप 100% श्योर हैं कि ये सारी मिल्क बेस है, इनमें कोई भी आर्टिफिशियल ऑयल यूज नहीं होता? कुछ मिक्स नहीं होता है इसमें, सब कुछ हमारा बिल्कुल प्योर होता है। कुछ बाहर से ला के इसमें मिलाया नहीं जाता है, सब कुछ मिल्क बेस्ड है। आप देख सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, हमने कैशू जो हमने आपको दिए हुए हैं ये रोस्टेड हैं, ये हम यहाँ पे खुद रोस्ट करते हैं। खुद रोस्ट करते हैं जी। जो हमारी ब्राउनी है ये भी हमारी खुद की बनी हुई होती है। यहाँ के जो ऑनर है उनका क्या नाम है? मिस्टर गोनल अरोड़ा एंड प्रवीण। गोनल अरोड़ा एंड प्रवीण सर। एंड जो हमारी मैम है उनका नाम है मिसेस प्रिया अरोड़ा जी। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के सारा ऑर्गेनिक है ये, बिल्कुल ये श्योर है कि इसके अंदर किसी भी आर्टिफिशियल ऑयल्स का यूज नहीं होता, बिल्कुल प्योर मिल्क यूज होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ। तो जैनिता, मैं कौन सा स्टार्ट करूँ? पहले आप वॉफल ट्राई कीजिए। वॉफल ट्राई करता हूँ जी। वॉफल के साथ आइसक्रीम लीजिएगा, आपको टेस्ट और अच्छा जी 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 जी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं जैनिता जी को कह रहा था ये ट्राई करता हूँ। आइसक्रीम क्या कहने, मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आया। आपने जितना बताया था ना उससे ज़्यादा टेस्ट लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। अब ये करता हूँ जरा। अब आप चॉकलेट ट्राई कीजिए। चॉकलेट तो पहले ये लिया, अब इसको पान को लेते हैं पहले। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हाँ जी, थोड़ा कंट्रास्ट भी चलना चाहिए ना। बिल्कुल। और ये अब ये कौन सा फ्लेवर है आपका? ये पान फ्लेवर है हमारा, मीठा पान। इसमें आपको पान का फ्लेवर आएगा, जो पान में गुलकंद वगैरह होते हैं आपको इसमें आएगा, मतलब टेस्ट आएगा। एंड हमने इसमें मिक्स भी किया हुआ है। अच्छा जी, चलो मैं भी खा के देखता हूँ। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो सच है या नहीं है। बिल्कुल, क्या कहूँ दोस्तों, जैनिता जब बता रही हैं मैं खा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ऑब्वियसली। बहुत सारे ड्राई फ्रूट हैं इसमें भी आप देख सकते हो, इनमें दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि नेचुरल मिल्क से बने हैं, नेचुरल मिल्क। तो बात ही क्या, पान का बिल्कुल फ्लेवर है जो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मज़ा आ गया हमें। नेक्स्ट अभी चॉकलेट फ्लेवर है, मैं इसे देखता हूँ। इसका पूरा नाम
चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम। चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम जी, इसमें ब्राउनी होगी, इसमें आपको हल्का सा फज का टेस्ट आएगा। फज का टेस्ट आएगा जी। कमाल है, इस पर आरएनडी काफी कर रखी है। वही वाह, प्योर चॉकलेट अगर खा सकते हो स्कूप में यहाँ आइए। आप अपनी लोकेशन बताइए, यहाँ पे लोकेशन क्या है? उसकी लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 3 नियर बाय अयोध्या चौक। सेक्टर 3 जी, नियर अयोध्या चौक जी। ओके रोहिणी दिल्ली जी, ये पास है मैम। और ये मैम, ये है अमेरिकन नट्स आइसक्रीम। इसका बेस जो है वो वेनिला का होता है। इसमें हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं, चोको चिप होते हैं, जेली होती है एंड इसमें आपको ब्लूबेरी मिलेगी। ब्लूबेरी मिलेगी जी, क्या बात है। फ्रेंड्स अब जगजीत सिंह जी इसे ट्राई करते हैं, क्या बात। बारिश का मौसम पर आइसक्रीम मिले खाने और क्या चीज़, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो यहीं खाओ। रियली ब्लूबेरीज काफ़ी आ रही हैं। इसमें थोड़ा मीठा ज्यादा है। हाँ, क्योंकि इसमें जेली का टेस्ट आ रहा है ना, आपको तो जेली थोड़ी मीठी होती है। ठीक है भाई, वाह क्या बात है। मन निकल छोड़ने निकल इसको, कब को हाली करूँ। फ्रेंड्स ये मैंने चारों ब्रांड आए हैं, चेक किया, मज़ा आ गया। दिल कर बातें ना करूँ, इंटरव्यू ना करूँ, सिर्फ खाता रहूँ। फ्रेंड्स इन चारों ब्रांड के मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। आप यहाँ आइए यार, आप आके खा के देखिए जाओ। इनके सिर्फ 3 आउटलेट, इन तीनों धमाल मचा रखा होगा, मेरा ऐसा सोचना है। अब आप क्या सोचते हो, अगर आपने खाया है कहाँ खाया है कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, अब हम इनके नेक्स्ट टेस्ट करते हैं, इनका क्या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। कहते जी नेक्स्ट मंगवाइए प्लीज। फ्रूट्स यूज करते हैं अपने फ्रूट सैलेड संडे में। ओके, जो हमने स्टोर करके रख रखा है। अच्छा जी, 7 टाइप्स के फ्रूट इसमें जी। ओके क्या क्या है इसमें? इसमें पाइनएप्पल होगा सर, कोकोनट जेल होगा और पपाया होगा। पपाया होगा ओके जी, एप्पल का भी फ्लेवर आएगा। ये हमारा स्ट्रॉबेरी पल्प है। ओके, ये हमारा पाइनएप्पल पल्प है। ओके, अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम जी जी। मी बनने वाला है हमारा शेक आइसक्रीम। तो फिर इसका दोबारा नाम बताना, क्या नाम है इनका दोबारा? फ्रूट सैलेड संडे। फ्रूट सैलेड संडे जी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा नाम वैसे ही काम, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये रेडी हो गया है आपका फ्रूट सैलेड संडे। ये रेडी हो गया है जी, बहुत बढ़िया। गजब, स्कूमैन के प्रोडक्ट जानदार, शानदार, अमेजिंग, ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगे। तो फ्रेंड इसको भी 10 में से 10 नंबर, आप एक बार आइए अपनी फैमिली को लेके आइए। तो फ्रेंड्स फ्रूट सैलेड संडे ये हम अब ले रहे हैं, इसमें पहले फ्रूट्स हैं, फिर पल्प हैं, फिर स्कूप आइसक्रीम का है, फिर फ्रूट्स हैं, कुल मिलाकर के बहुत सारे आइटम हैं और जैली है। तो फ्रेंड्स हम इसे टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा है। पहले खुशबू बहुत था, जबरदस्त जबरदस्त खुशबू आ रही है। और रेट्स भी इनके रीजनेबल है, रेट्स भी इनके ज़्यादा नहीं है, तो आपकी पॉकेट फ्रेंडली है टोटली। और टेस्ट माशाल्लाह, मेन चीज़ है टेस्ट और क्वालिटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स ऐसे ही स्वादिष्ट खजाने में आपको भी जाता रहूँगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ऐसे ही मैं आपको घुमाता रहूँगा स्वादिष्ट गलियों में। तो फ्रेंड्स अब चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमस्कार। हेलो मैम, आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने
चीज बर्गर एंड ग्रिल मीट मोहितो। ओके, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, वेरी गुड, इट्स सो टेस्टी। बहुत बढ़िया, मजा आया सर आपको? आपको भी अच्छा लगा सर ये? आप सर दोबारा बार बार खाना चाहेंगे ये? आओ, अभी हम लोग इधर वैसे पहली बार आए थे। अच्छा अच्छा, गाड़ी सर्विस करने रखा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए? ढूंढे ढूंढे कैफे ढूंढ रहा था। ओके, मतलब 900 मीटर कुछ चल गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।